दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था, मेरा बच्चा ही वो कार्टून वगैरह देख रहा था, तो उसके सजेशंस में कैसी वीडियो आ गई थी जो आजकल यूट्यूब पर बन रही मेडिकल चैनल के नाम पे, कि भाई ऐसा सेक्स कर लो या वैसे सेक्स कर लो या ये लगा लो वो लगा लो। तो ये क्या चल रहा है? पहली चीज़ हम बात करते हैं ऐसे यूट्यूबर्स की। मैंने देखा है कई यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं दिन में 5 वीडियो डालते हैं, 5 की 5 वीडियो ऐसे डालेंगे भाई आपका लिंग का साइज इतना बड़ा हो जाएगा, ये घोड़े जैसा कुछ भी ऐसा बलगर बलगर लिखते हैं, यहाँ पर बोल भी नहीं सकता हूँ, इतना बलगर लिखते हैं कि कुछ कह नहीं सकते, और ऐसे ऐसे थंबनेल बनाते हैं कि भाई कुछ उसके बारे में क्या बोलूँ। तो ऐसे वीडियोस लोग बना रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन वो उनको एज रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करते हैं कि भाई बच्चे के पास ना पहुँचे। आजकल यूट्यूब में टूल है कि भाई आप उसको एज रिस्ट्रिक्ट कर दो तो बच्चे के पास वीडियो नहीं पहुँचेगा। सो खैर, ऐसी वीडियो बन रही हैं, बहुत भयानक तरीके से बन रही हैं, और उनकी ऑडियंस कौन है भाई? आप ब्रेस्ट का साइज क्या बोलते हैं, वो पेनिस का साइज़ बढ़ा लो, पेनिस का टाइमिंग बढ़ा लो, बीवी ये करने लगेगी वो करने लगेगी, उल्टे सीधी चीज़ें भर भर के डाल रहे हैं लोग। इन वीडियोस को देखता कौन है? इन वीडियोस की अगर आप स्टडी करते हैं, इन वीडियोस को जो ऑडियंस होती है वो 18 से लेकर 30 साल का व्यक्ति होता है। उन 18 से लेकर 30 साल के लोगों में भी 18 से लेकर 20 साल 22 साल के लोग ज़्यादा हैं। अभी 18 से लेकर 22 साल के लोग वो हैं जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनके पास कोई पार्टनर भी नहीं है। अब वो यूट्यूब ब्राउज करते रहते हैं, उनके पास आता है भाई ये लोग लिंग का साइज़ बढ़ा लो, घोड़े जैसा कर लो, 12 इंच का कर लो, कुछ भी ऐसी चीज़ लगते हैं कि भाई बिल्कुल जो नॉर्मल आदमी जो आम भाषा में गंदी बातें बोलता है ऐसे वर्ड्स वो तक लिख देते हैं जो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकता हूँ। सो खैर, अब ये इतनी जानकारी स्प्रेड हो रही है, इसका आप करोगे क्या? अगर आप ऐसी वीडियोज़ देखते हैं तो आपसे क्वेश्चन है कि आप इस जानकारी का करोगे क्या? आपकी शादी तो ही नहीं है, आपको लिंग का साइज़ क्यों बढ़ाना? आपके पास तो पार्टनर भी नहीं है, अगर होगा भी तो वो अभी है नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात भी की जाए टीनेजर्स की तो भाई वो 24 घंटे साथ नहीं रहते ना, 24 घंटे सेक्स नहीं कर रहे ना, पहली बात तो करना नहीं चाहिए, इलीगल है। सो खैर, अब आप इस जानकारी का करोगे क्या कि भाई लिंग का साइज ऐसे बढ़ाना है, ऐसे कर लो, ये खा लो वो खा लो, ये रात में गला खा लो ये खा लो ये। कुछ कुछ चैनल तो प्रोडक्ट का ही रिव्यू करते रहते हैं, सिर्फ सेक्स सेक्स इतना भरा हुआ है माइंड के अंदर, तो वो पूरी गलत जानकारी स्प्रेड कर रहा है। समस्या नहीं है लोगों को, लेकिन फिर भी वीडियोस बन रही हैं, फिर भी लोग देख रहे हैं। अब आपको समझाता हूँ सदी का सबसे बड़ा झूठ कैसे। पहली बात तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कोई बीमारी नहीं है, पहली बात तो आज की डेट में बीमारी है लेकिन इतनी नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का हुआ 20 साल का हुआ वीडियो देख रहा है भाई मुझे लिंग का साइज़ बढ़ाना टाइम बढ़ा, अरे भाई तुझे कैसे पता कि तेरा टाइमिंग कम है तेरा लिंग का साइज़ कम है? तुझे कैसे पता? तूने क्या सेक्स कर लिया जाके? तेरी शादी भी नहीं हुई क्यों? भाई लोगों को ऐसा क्यूरियोसिटी बन जाती है भाई मुझे भी बढ़ाना, और तुम पॉर्न देख रहे हो, तुम्हें पॉर्न देख के खुद से एक्सपेक्टेशन हो जाती है भाई मेरा भी इतना होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, फालतू बकवास है। आप वीडियोस देखोगे और उनके थंबनेल्स देख के आपको सजेशंस में क्या आएगा पता? उनके टैग्स भी ऐसे डाले जाते हैं कि पॉर्न जैसे सेक्स जैसे, तो उनका जब वीडियो देखोगे आप तो उनके सजेशन में आपको क्या मिलेगा? सावधान इंडिया के वीडियोस, CID के वीडियोस, और ये साला वीडियोस पे ऐसे ऐसे थंबनेल, वो सॉफ्ट पोर्न होता है ना वो परोसा जाता है। फिर आदमी ये सब देख रहा है भाई लिंग का साइज कैसे बढ़ाना है, उसके साइड में सजेशन से क्या आ रहा है भाई भाभी ने ये किया देवर ने किया, आदमी वो देखता है। फिर धीरे धीरे आदमी का वो है लेवल बढ़ता जाता है, तुरंत 5 मिनट के अंदर आदमी स्विच कर जाता है कहाँ पर पॉन पे, फिर पॉन वीडियोज़ देखता है, फिर वो मास्टरबेट करता है। ये रियलिटी है, एक्चुअल में रियलिटी है, ये समस्या नहीं है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। पहली बात तो आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को समझो ना, जो लोग ये वीडियोस बना रहे हैं उनको यही पता नहीं है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन क्या होता है। बस उन्होंने कुछ वर्ड उठाए मेडिकल के टर्म्स डाले, बनाओ खुद का चेहरा भी नहीं दिखाते, इवन फ्लैट शो चलता रहता डाला फटाक से लोग ये बीवी खुश हो जाएगी, ये लो शाम को दूसरी वीडियो, दोपहर में दूसरी वीडियो, दिन में 5 वीडियो, सिर्फ यही ये खिला दो वो खिला दो। और ये वीडियोस देखते हैं ऑडियंस हमारे जो टीनेजर्स होते हैं, यंग बॉयज़ होते हैं, और वो देख के इनको डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर पहुंच जाते हैं कहाँ सॉफ्ट पोर्न से डायरेक्ट पोर्न पे, फिर मास्टरबेट करते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है भाई? आपकी शादी नहीं तो आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको कैसे पता कि भाई आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मैं बताता हूँ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये होता है, ये आपका लिंग है ये यूँ होगा तो ये होता है इरेक्टा इरेक्शन, ये यूँ नहीं हो रहा है तो इसे बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये हो रहा है ना तो इसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं कहेंगे, ये यूँ हो गया कितनी देर तक है 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जल्दी हो जाता है नीचे, उसे बोलते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। भाई आपको कैसे पता? आपने तो कभी सेक्स किया ही नहीं,
सपोज आप करोगे भी तो हो सकता है आपका जल्दी निकल जाए, ये नेचुरल है। आप जब भी किसी पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे रैंडमली 6 महीने में 2 साल में तो जल्दी निकलेगा, गारंटी इस चीज़ की, कुछ भी कर लो, क्योंकि वो स्किन की सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। हार्मोनल बोलते हैं कि अब आप वीडियोस देख रहे हो कि भाई ऐसे सेक्स बढ़ा लें, ये खिला दें, वो खिला दें, इससे क्या हो रहा है, आपका साइकोलॉजिकल सेक्स चल रहा है, साइकोलॉजिकल सेक्स चल रहा है माइंड में, 24 घंटे सेक्स ही तो भर रहे हैं वो लोग। ये देख देख के आप पॉर्न पे जाते हो, फिर आप मास्टरबेट करते हो, फिर आप सर्च मारते हो भाई मास्टरबेट के नुकसान कैसे दूर करें। भाई देखो आप एक बात बताओ, अभी आपकी एज 20 साल है, 20 साल में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा क्या? आपको नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो, क्योंकि आपको डर बैठ गया कि मुझे ना हो जाए ये समस्या। अब पहले के समय में बूढ़े लोग जो रहते थे वो जवान बने रहते थे हमेशा, 80-80 साल की उम्र में बच्चे पैदा करते थे, 10-10, 15-15, क्यों? उनको ये समस्या नहीं होती थी क्या, या उनके टाइम पर रिसोर्सेज कम होते थे जो पॉन्ड के, जो अब आजकल मैगजीन्स आती हैं, साइट्स आती हैं, मूवीज़ आती हैं, पहले के रिसोर्स कम थे, मान रहे रिसोर्स कम थे, लेकिन उनको भी इतना नॉलेज रहता था। मास्टरबेट वो लोग नहीं करते थे क्या? पुराने लोग भी करते थे, जो बूढ़े हो चले हैं उन्होंने भी मास्टरबेट किया है, लेकिन दिक्कत किसको हो रही है? आपने मास्टरबेट कर लिया तो आपको दिक्कत हो रही है, आपने ज़्यादा, आजकल यही चल रहा है, धंधा बना लिया लोगों ने कि बचपन की गलतियों के कारण ये हो गया। अरे भाई तुम्हें कैसे पता कि उसने कितनी गलती करी है नहीं करी है? भाई मास्टरबेट हर कोई करता है नॉर्मल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मास्टरबेट करना अच्छी बात है, लेकिन ये नॉर्मल भी है, नेचुरल है, प्रोसेस है। आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा करोगे नुकसान देगी, गुलाब जामुन ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगी, लेकिन लोगों ने इसका धंधा बना लिया भाई, और लिख दो बचपन की गलतियों से ये दिक्कत आ गई। और गलती हर व्यक्ति करता है यार, कौन नहीं करता, पुराने लोग भी करते थे, लेकिन उनके साथ ये कहने वाला कोई नहीं था ना कि आपके बचपन की गलती की वजह से आपको ये हो गया है। वो बुढ़ापे में तक बच्चे पैदा करते थे, लेकिन आपके मन में ये डाल दिया जा रहा है बार बार कि लिंग का साइज़ कम है, बढ़ा लो, शीघ्र पतन हो रहा है। अब मैंने भी सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 वीडियोज़ बनाए, मैं अब यहाँ पर अपने आप को सुपीरियर नहीं बता रहा हूँ, जो फैक्ट होता है वो बात करना चाहिए। भाई लिंग में क्या दिक्कत हो सकती है? या तो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है, वो डिसऑर्डर कहलाएगा, या आपकी टेस्टिकल एट्रोफी हो सकती है, वो डिसऑर्डर कहलाएगा, या आपका प्रीमैच्योर एजुकेशन बहुत ज़्यादा ही है, तुरंत वीर्य निकल जाता, वो डिसऑर्डर कहलाता, उसका इलाज किया जाता। आपका तो बढ़िया है, फिर भी आप इलाज ढूंढ रहे हो, इलाज ढूंढते आपके सजेशन में दूसरा वीडियो आया सावधान इंडिया का, आपने वो देखा, और वो इतना बुरे तरीके से आजकल आ रहे हैं सीरियल्स, या दूसरे, या इवन ऐसे ऐसे थंबनेल बनाते हैं कि उस पर कोई यूट्यूब उस पर एक्शन नहीं लेता। अभी मेरा एक वीडियो था, आप यकीन मानिए, मैंने गोनेरिया के ऊपर वीडियो बनाया था, उसका आप थंबनेल यहाँ देखिए। इस थंबनेल के ऊपर मेरे पे एज रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, मतलब क्लेम आ जाता है यूट्यूब की तरफ से, भाई आप कुछ भी न्यूडिटी शो अप नहीं कर सकते। इसमें क्या न्यूडिटी आप बताइए? लोगों ने इसको रिपोर्ट कर दिया, उनके थंबनेल ऐसे, मैं अपने वीडियो में यहाँ पर शो नहीं कर सकता हूँ, कॉपीराइट क्लेम की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे शो ही नहीं कर सकता हूँ मैं, मेरे को ये शोभा ही नहीं देता। सो खैर, ऐसे थंबनेल्स और ऐसी चीज़ों को देख देख के आपको कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपका माइंड जो है पॉर्न की तरफ डाइवर्ट होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप इन चीज़ों को सोचना बंद कर दो। आपकी शादी नहीं हुई है, आपके पास पार्टनर नहीं है, तो आपको इसका सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि लिंग का साइज़ कम है या हाँ। अब जो मैंने बताया था कि भाई 18-30 साल की ऑडियंस है, तो भाई उसमें जो 30% आदमी है वो मैरिड आदमी हो सकता है। अब मैरिड का ही मैंने बताया, वीडियो बनाया कि भाई आप जब इस चीज़ को रेगुलर वे में करोगे तो आपको इसमें टाइमिंग भी बढ़ेगा और सब चीज़ ठीक हो जाएगी। आदमी क्या पॉर्न देखता है, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, भाई मुझे भी ऐसा पार्टनर मिले, मेरे भी ऐसी टाइमिंग हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता ना। या आदमी कोई भी चीज़ खाना भी खा के बोर हो जाता ना, तो वो है जैसे आदमी जिंदगी भर पेशाब करता, जिंदगी भर उसको लेटन जाना, जिंदगी भर उसको खाना खाना, तो ये जिंदगी भर ही चलती है ये चीज़। सेक्स आदमी जिंदगी भर करता है, ठीक है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, सेक्स आदमी जिंदगी भर करता है। ये लोगों की बातों में मत आओ कि दवाई खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, पहली चीज़। अब चीज़ तो खैर कितनी हो सकती है, सो ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ईश्वर ने ये जो चीज़ दी है बच्चे पैदा करने के लिए दी है, आजकल लोगों ने इसको सेक्स को बिल्कुल वैल्यू नहीं बचने दी है, उस पर अपन भाषणबाजी नहीं करेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों पे आप ध्यान ना दो। अभी आपका जो काम है बिजनेस है, पढ़ाई लिखाई, उस पर ध्यान दो, ठीक है भाई। आप हेल्थ केयर की नॉलेज ले सकते हो किसी भी चैनल पर लो, लेकिन जब भी ऐसी वीडियोज़ दिखें आपको, जो व्यक्ति हर दूसरी वीडियो में सिर्फ लिंग का साइज़ बड़ा बताने बता रहा, बेवकूफ़ बना रहा,
क्लियर कट बोल रहा हूँ, बेवकूफ़ बना रहा है। आपको ज़रूरत ही नहीं है इस नॉलेज की भाई। मैंने आपको बता दिया भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें आपको डॉक्टर को दिखाना है ना। या कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो कि आपको गलतियाँ करने से रोकती हैं, वो आप वीडियोज़ देख सकते हो, कुछ हेल्थ केयर टिप्स। बट लिंग का साइज़ बढ़ाना, ये ऐसे कर लो वैसे करो, ये फालतू बात है। मैं इस टॉपिक पर बहुत दिनों से बात करना चाह रहा था। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों से शेयर करो, दूसरों को पता चलना चाहिए, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे।